ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव तक के लिए बेहद जरूरी है। कहते हैं सत्ता का मद सिर चढ़कर बोलता है। भोपाल में एक मंत्री के बेटे और उसकी गैंग ने सड़क पर जमकर गुंडागर्दी की है। मामूली विवाद पर लोगों को सत्ता की धौंस दी है। एक बाइक सवार पत्रकार और एक दंपति की पिटाई कर दी है। इसके बाद पुलिस पर दबाव बनाने के लिए मंत्री खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गए और चार पुलिस वालों को सस्पेंड करा दिया। इस मामले में भाजपा सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है और मुख्यमंत्री मोहन यादव इस मामले में चुप्पी साधे हुए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, देख लीजिए, मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के कुछ मंत्रियों और उनके परिवार वालों पर सत्ता का नशा किस कदर हावी हो गया है कि वे खुद को सबसे शक्तिशाली समझने लगे हैं। ऐसे मंत्री पुत्रों को लगता है कि वे मध्य प्रदेश में कुछ भी कर सकते हैं। पिता मंत्री क्या बने, इनको सरेआम गुंडागर्दी करने का लाइसेंस मिल गया। मामला कुछ इस तरह से शुरू हुआ कि बीती रात पत्रकार विवेक सिंह राजपूत अपने घर जा रहे थे कि तभी उनकी गाड़ी को पीछे से किसी ने टक्कर मार दी। विवेक ने जब इस पर आपत्ति की तो गाड़ी में बैठे मध्य प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे अभिज्ञान पटेल और उसके साथियों ने पत्रकार को धमकाया और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। विवेक ने बताया, मैं पत्रकार हूं तो उसे कहा गया हम सरकार हैं, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। पत्रकार अपनी जान बचाने के लिए एक रेस्टोरेंट में घुस गया तो गुंडागर्दी पर उतारू मंत्री पुत्र अपने साथियों के साथ रेस्टोरेंट में घुस गए। वहां पत्रकार के बचाव में आगे आए रेस्टोरेंट संचालक एलिशा और उनके पति सोनू मार्टिन से मंत्री पुत्र विवाद पर उतारू हो गए और उनकी भी बेरहमी से पिटाई लगा। उनका बचाव करने आए रेस्टोरेंट कर्मचारी को भी इन बदमाशों ने खूब पीटा। पुलिस गुंडागर्दी पर उतारू मंत्री पुत्र और उसके साथियों को शाहपुरा पुलिस स्टेशन ले गए। उनके साथ 6-7 लड़कियां थी, वो भी नशे में थी। लड़कियों जी थी, उतर के मेरी बाइक के साथ बदतमीजी कर रही थी। लड़के मेरी बाइक का हाथ पकड़ के बाहर खींच रहे थे। तो मैं एक अकेला व्यक्ति कितने दिन लोगों का मुकाबला करूंगा? और बार बार ये कि तुझे और तेरा रेस्टोरेंट और तेरी बाइक को गायब कर देंगे, हम मंत्री के बेटे हैं, क्या कर लेगा तू हमारा? वही सेम चीज यहाँ पर थाने में जब मैं बैठ के FIR लिखवा रहा हूँ तो उनकी तरफ से एक लड़का आके पुलिस के सामने मुझे थाने में धमका रहा है कि कहाँ मिलेगा तू, तो किससे न्याय की उम्मीद करें? पुलिस से बोल रहा, पुलिस आप मंत्री पद है, आप मंत्री हो तो क्या आप रोड पे चलते हुए किसी को भी रोन दो? मंत्री जी से मेरी मुलाकात नहीं हुई, मंत्री जी के बेटे और उनके दोस्तों ने मेरे साथ थाने में भी अभद्रता करी। तो एक भैया आए तो उनको बचाने के चक्कर में, तो हमारे जो ओनर है साहब और मैडम है तो मारा पीटी कर रहे थे तो चले गए, तो उनको बचाने के चक्कर में और उनके साथ भी मारा पीटी हुई और फुल दारू पी हुए थे, 4-5 लड़के थे और हम भी चले गए तो हमको भी मारा और नाक में चोट भी आई है मेरी। और फिर उतने में फिर मार मूर के फिर चले गए, गमला उठा के मार दिया हमारे ओनर को, सर फट गई, कान फट गई। तो अब मैडम को भी मारा, उसको चश्मा पर तोड़ दिया, आंख में कांच, जो चश्मा के कांच घुस गई। पुलिस घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले गई। पुलिस ने मंत्री पुत्र और उसके साथियों को हिरासत में ले लिया। इस बात का पता चलते ही मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल शाहपुरा थाने जा पहुंचे और उल्टा पुलिस पर उनके बेटे के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया। हाई प्रोफाइल मामला होने से पुलिस के आला अधिकारी भी थाने पहुंच गए। करीब 1.5 घंटे तक मंत्री थाने में जमे रहे और बेवजह 4 पुलिस वालों को सस्पेंड करवाया, जबकि मंत्री का बेटा पुलिस को धमकाता रहा। रात 11 बजे मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल अपने बेटे अभिज्ञान को साथ लेकर थाने से चले गए। इस मामले में भी सत्ता पुलिस सिस्टम को अपने तलवे से रौंदती नजर आई। आरोपियों ने शाहपुरा थाने में भी जमकर हंगामा किया और सत्ता का फूहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल के बेटे और उसके दोस्त के खिलाफ दिखावे के लिए मामूली धाराओं में FIR दर्ज की। ऐसे में सवाल यह है कि गुंडागर्दी मंत्री का बेटा और उसके दोस्त कर रहे थे तो फिर पुलिस वालों को क्यों सस्पेंड किया गया? इस मामले ने तूल पकड़ा तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पुलिस स्टेशन पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद पीड़ितों के पक्ष को
पुलिस ने तवज्जो नहीं दी। उन्होंने मुझ पे हमला करा, मुझे खींचतान भी करी। मैं बिल्कुल भागी हूँ, नहीं तो लिटरली पता नहीं क्या हो जाता। मैं इतने सारे वो लोग नशे में लड़के लड़कियां गाड़ी में थे कि वो मैं बस अपनी जान बचा के भागी हूँ। उन्होंने हस्बैंड को पूरा जानलेवा हमला करा है, ना इन्होंने 307 लगाई है, ना कुछ एक्शन लिया गया है उसके खिलाफ। और वो लोग आराम से सो रहे हैं और हम डरे हुए बैठे, क्योंकि वो मंत्री का बेटा है और वो बस थाने में भी हमको धमकी दे रहा है। अच्छा, क्या हम देख लेंगे तुम्हारा रेस्टोरेंट देख। तीन पक्ष हैं, शुरुआत मुझसे हुई थी, फिर जिन्होंने मुझे बचाया उनके सिर में 8 टाके आए हैं। और जो आरोपी है मंत्री के पुत्र, उनके ऊपर FIR हुई है, लेकिन 307 नहीं लगी। थाने में बैठ के पुलिस कर्मियों को मेरे सामने धमकाया और यहीं से गए वापस, और बाहर भी धमका रहे थे। ये पूरी घटना SFP साहब से बात की, उन्होंने कहा हम पुलिस प्रोटेक्शन में इनको लेके आए, इनको कोई खतरा नहीं होने दिया। इसका मतलब इनको फिर से सिक्योरिटी चाहिए। इनको अभी ये रेस्टोरेंट चलाएंगे फिर मारपीट होगी, कौन जिम्मेवार होगा? थर्ड, ये मेन आदमी है जिनके सर में 7 टांके आए हैं, जो आप लोगों ने मीडिया ने भी बताया है। इस पर 307 बनती है, पर 307 नहीं हुई। ये कहा गया है कि इन्वेस्टिगेशन में आएगा, तो मैं मानता हूँ ये आपत्तिजनक है। इनको मेडिकल रिपोर्ट अवेलेबल करानी चाहिए, प्राइवेट कंप्लेंट भी करना चाहते हैं। अव्वल ये घेरा है, ये देख लो। अब ये अपने आप में गवाह बोल रहा है। अभी मैं कांग्रेस पार्टी का निर्णय ये है या धर्म ये है कि मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री हैं, आपकी अराजकता मध्य प्रदेश की जग जाहिर होने लगी है। अगर इस तरीके से आप गृह मंत्रालय चलाएंगे, आपका पूरा मध्य प्रदेश परिवार होना चाहिए। इस तरह के दुर्व्यवहार, पक्षपात, पुलिस को 4 लोगों को सस्पेंड किया गया अखबार के हिसाब से, मतलब ये अन्याय की पराकाष्ठा है। इधर आतंक मचा है, उधर पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करेंगे? पुलिस वालों को सस्पेंड क्यों करना चाहिए? अगर पुलिस को भी सस्पेंड किया, कांग्रेस पार्टियां थाने के सामने धरना देगी अगर पुलिस को सस्पेंड किया तो? ये गलत तरीका है। अगर पुलिस का मनोबल घटा हुआ रहेगा, गिरा हुआ रहेगा, तो क्या संभव है कि आप कानून व्यवस्था सही रख सकते हैं? आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।